हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के टॉपिक सर्कल्स, उसके अंदर हम पार्ट 2 के बारे में आज बात करेंगे। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, कॉर्ड आर्क, उसका सेमी सर्कल क्या होता है, सेगमेंट, सेक्टर, सब कुछ बताया था डिटेल्स में। तो अगर आपने वो पार्ट वॉच नहीं किया है तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो आज के पार्ट में हम बात करेंगे कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, और मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, और कुछ रिजल्ट्स नोट डाउन कराऊंगी जो कि क्वेश्चंस को हेल्प करेंगे आपकी सॉल्व करने में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो की टर्म्स और डेफिनेशंस के बेसिस पे आज हम सर्कल्स के ऊपर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ए ओ बी इज़ अ डायामीटर, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है मिडल में, दिस इज़ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यहाँ पर सेंटर ओ है, एंड ए सी इज़ अ टेंजेंट। अब ये जो है वो क्या है, टेंजेंट है, यानी कि ये जो हमारा ए पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है तो उसके ऊपर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, ये आपको रिमेंबर रखना होगा। जब भी एक टेंजेंट होगी और उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो जब सर्कल के साथ टच करेगा तो वो कौन सा एंगल ड्रॉ करेगा, 90 डिग्री, ये रिमेंबर आपको याद रखना है। देन इफ़ बी ओ सी इज इक्वल्स टू 130, ये आपको मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है ए सी ओ। अब आपको ए सी ओ यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब आप मान लीजिए कि लेट एंगल ए सी ओ को मैं एंगल 1 मार्क कर लेती हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको एंगल 1 मार्क कर लिया, राइट। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, राइट, क्योंकि और किसी तरीके से हम इसको निकाल नहीं सकते। अब ये 130 क्या है, एक्सटीरियर एंगल, हम यहाँ पर इस ट्रायंगल के ऊपर, इन ट्रायंगल ए सी ओ के ऊपर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो कि हमने लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th में पढ़ी है। वो क्या कहती है, इट इज़ एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये वाला जो 90 है और 90 प्लस एंगल 1 शुड बी इक्वल टू 130 डिग्री। रीज़न आपको साथ में मेंशन ज़रूर करना है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। अब यहाँ से एंगल 1 हम बहुत ही इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एंगल 1 हमारे पास आ गया 40 डिग्री, और एंगल 1 का मतलब है जो हमें ए सी ओ फाइंड आउट करने के लिए कहा था उसकी वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है 40 डिग्री। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ये हमारा कोई एक्सटर्नल पॉइंट है पी, यहाँ से टू टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है। जब भी एक रिजल्ट आपको याद रखना है, ये थ्योरम मैं आपको थोड़ी देर बाद करवाऊंगी। अब आप याद रखिए कि जब भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट होता है वहाँ से जब भी कोई दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी वो इक्वल होती हैं। जब भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी वो इक्वल होती हैं, यानी कि कहने का मतलब है पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, राइट। अब ये जो रिजल्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। इफ़ पी ए बी इज़ 50, ये आपको एंगल दिया हुआ है 50, फाइंड ए ओ बी, यानी कि हम पहले मार्क कर लेते हैं कि हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है। ए ओ बी यानी कि हमें ये वाला पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले ये आपस में दोनों क्या हैं, इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ओ प्लस पी 180 डिग्री है, पर उसके लिए हमें पी पता होना चाहिए। अब आप पहले ट्रायंगल में ए बी पी ट्रायंगल देखिए, तो अगर मैं ट्रायंगल लेती हूँ ए बी पी, अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना चाहती हूँ तो ये पी एंगल फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके लिए मुझे ये वाला एंगल भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये क्या है, 50 डिग्री होगा, क्यों, अब मैंने आपको बताया कि पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है, क्यों, ठीक है, क्योंकि दो टेंजेंट्स जब एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर पी ए पी बी का इक्वल है यानी कि उनके जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या रीज़न आएगा, एंगल पी बी ए इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, राइट। क्यों, रीज़न लिखेंगे हम, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिख ही देती हूँ मैं यहाँ पर कि एंगल
ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। अब इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल भी 50 डिग्री है, ये एंगल भी 50 डिग्री है, हमें ये एंगल मिल सकता है, हम आराम से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर इसका एंगल निकाल लेते हैं, 50 प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल P यहाँ से कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, राइट। अब जब P पता चल गया है तो हम सिंपल O प्लस P करके, O प्लस P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो O कितना आ जाएगा आपके पास, 180 माइनस 80 दैट कम्स आउट टू बी 100 डिग्री। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपने एक इस क्वेश्चन से एक रिजल्ट याद रखना है जो मैंने आपको भी बताया है कि PA इज इक्वल्स टू, जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंशन स्ट्रॉ होंगी वो क्या होती हैं, इक्वल, और उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हम वही चीज़ यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंशन स्ट्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर देखिए फिगर में P एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, PA एंड PB आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, सच दैट APB 50 डिग्री, यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये कितना दिया हुआ है आपको, 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। राइट द मेजर ऑफ OAB, ये वाला जो एंगल मार्क किया हुआ है इसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट उसके लिए हमें ये वाला पूरा एंगल पता है, ये वाला पूरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी जो टेंजेंट का पॉइंट टच होता है इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। इसका जो मीनिंग है वो मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो में आपको सारा कुछ इसमें समझाया है। ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब इधर वाला एंगल। तो आप इस ट्रायंगल में देखिए, सबसे पहले मैं ट्रायंगल्स कंसिडर करने जा रही हूँ, ए पी बी, ठीक है। अब अगर मैं इसको एंगल वन मार्क कर लूँ और इसको एंगल टू मार्क कर लूँ, ठीक है, तो अब इसमें एंगल वन एंगल टू को हम एक्स सपोज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पी ए और पी बी क्या हैं, दो टेंजेंट्स और ये इक्वल हैं, इसलिए इनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लेट कर लिया मैंने एंगल वन और एंगल टू को एक्स। अब इस ट्रायंगल में x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या यूज़ करी मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करी। एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करके 2x इज इक्वल्स टू 130, तो x की वैल्यू आ गई 65। अगर x की वैल्यू 65 है, यानी कि एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 65, और एंगल 2 की भी वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री। यहाँ से हमें ये पता चल गया पूरा एंगल कितना था, 90 डिग्री। अब अगर मैं 90 में से 65 माइनस कर दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ रही है, ओ ए बी की। पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। आप ये बात समझ रहे हैं, ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसमें ये जो लाइन ड्रॉ करी हुई है, इतना एंगल मैंने निकाला है, ये 65 है, और ये बाकी जो बच गया एंगल जिसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करने के लिए बोला है, उसका आंसर क्या आ गया, 25 डिग्री। तो आपने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ध्यान से यूज़ करके इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, विद सेंटर ओ। क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 50 डिग्री है, मार्क किया हुआ है, 50 डिग्री एंगल दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ओ क्यू आर। ज़्यादातर जो मिस्टेक्स होंगी यहाँ पर वो सीधे लिख देंगे ओ क्यू आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट उसने ये नहीं पूछा आपको, ओ क्यू पी नहीं पूछा आपको, ये पूरा एंगल नहीं पूछा, उसने पूछा ओ क्यू आर, यानी कि उसने एक लाइन यहाँ पर जो होती है वो ड्रॉ नहीं की है, इसीलिए आपने आंसर सीधा 90 नहीं बोलना है। जब उसने पूछा होता ओ क्यू पी तो ये आंसर 90 होता, बट उसने पूछा है ओ क्यू आर, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे कन्फ्यूजन को हटाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर हमें ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ओ प्लस पी कितना है, 180 डिग्री। उसमें से हम, मैं ये वाला जो एंगल ओ है वो फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो ओ कितना आ गया,
एंगल ओ आ गया आपके पास 130 डिग्री, राइट। अब आपको पता है ये जो ओ क्यू और ओ आर है ये क्या है, दोनों रेडियस, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल, राइट। अब अगर रेडियस इक्वल है तो ये जो एंगल हैं दोनों, मैं इसको मान लेती हूँ एंगल वन और इसको मान लेती हूँ एंगल टू, ठीक है। तो एंगल वन और एंगल टू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं मान रही हूँ लेट एंगल वन और एंगल टू को एक्स। अब ये ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ठीक है। इसमें क्या करूँगी, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल ओ की वैल्यू कितनी थी 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। अब यहाँ से क्या आ गया, 2x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 25 डिग्री, यानी कि आपकी ओ क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा सर्कल्स में कंफ्यूजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मिलेंगे, और आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, और फिर आराम से आप लॉजिक लगाकर उसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। अब आज की वीडियो में एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं हम, जिसमें हमारे पास टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स उस चीज़ को बोला जाता है जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल हो, यानी कि आप देख सकते हैं एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, इन सर्कल्स को कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। अब यहाँ पर इनकी जो रेडियाई है, मतलब जो बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और जो छोटे वाला सर्कल है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। सबसे पहले यहाँ पर कॉर्ड क्या है, यहाँ पर ए बी कॉर्ड है, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसकी डेफिनेशंस बताई थी, यानी आपको ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब सबसे पहले आपको मेंशन यहाँ पर करना है कि रेडियस किस तरह से है। अब ये है इसका सेंटर, ओ से लेकर ए मतलब बाहर तक जो है वो बाहर वाले सर्कल का रेडियस है, यानी कि ओ ए की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, पहले तो यही मार्क करना है आपको। और छोटे वाले रेडियस का, यानी कि ओ से लेकर सी पॉइंट तक, यानी कि सी जो है ये है 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर मार्क करने जा रही हूँ, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। अब आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए ओ हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस, ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9, यानी कि ए सी की वैल्यू आ गई 16 का रूट, दैट इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाल ली है 4 सेंटीमीटर। सेम वे इसकी भी कितनी होगी 4, यानी कि ए बी की लेंथ कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट कम्स आउट टू बी 8 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन में जो आंसर है लेंथ ऑफ कॉर्ड का वो कितना है 8 सेंटीमीटर। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने सर्कल्स के ऊपर काफ़ी सारे फिगर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैंने आज आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हम क्रिएट करते हैं ज़्यादातर एग्जाम पेपर्स में वो आपको रिमूव करना सिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगी आपके लिए सर्कल्स के लिए, जो वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, और उनको किस तरह से अटैम्प्ट करना है वो बताऊँगी मैं आपको। तो कोई भी वीडियो ना मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और अगर आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसको प्रैक्टिस करें अलग अलग फिगर्स के साथ, अलग अलग वैल्यूज के साथ। और अगर कोई डाउट आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। हैव ए नाइस डे।